नमस्कार, आपका UK24 न्यूज चैनल में स्वागत है। मौसम समाचार। पहाड़ी जिलों में बारिश का अनुमान, 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिसको देखते हुए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी देहरादून के कुछ स्थानों में गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून में भी पेट्रोल के दाम में 94 पैसे की कमी आई है, जबकि डीजल के दाम में 1.56 रुपए पैसे की कमी देखी जा रही है, जिसके बाद देहरादून में पेट्रोल 96.99 रुपए, वहीं डीजल के दाम 90.22 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 96.39 रुपए, डीजल के दाम है 89.57 रुपए। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 96.74 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 89.94 रुपए। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। पीएम से मिलेंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। धामी को एक दिन पहले ही दिल्ली बुलावा भेजा गया था। माना जा रहा है कि राज्य में कोरोना की स्थिति और पर्यटक स्थलों पर भारी भीड़ की तस्वीरें सामने आने के बाद स्थिति पर नियंत्रण सहित कांवड़ यात्रा पर भी बातचीत हो सकती। कोटद्वार दौरे पर हरक। वन मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत आज अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के दौरे पर रहेंगे और क्षेत्रीय लोगों समेत पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस का हल्ला बोल। प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कुंभ आरटीपीसीआर जांच घोटाला, किसानों की बदहाली जैसे विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस आज सीएम आवास कूच करेगी। सीएम आवास घेराव में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी शामिल रहेंगे। सीएम आवास का घेराव। आम आदमी पार्टी भी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। महंगाई और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। प्रधान संगठन का आंदोलन। कीर्तिनगर ब्लॉक मुख्यालय में प्रधान संगठन अपना विरोध जाहिर करेगा। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश प्रधान संगठन आंदोलनरत है। ठगी के विरोध में प्रदर्शन। मोटा ब्याज देने के नाम पर हुई 200 करोड़ की ठगी के मामले में पीड़ित पिथौरागढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में करेंगे प्रदर्शन। लोक अदालत का आयोजन। उधम सिंह नगर जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय परिसर रुद्रपुर में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। कोविड संक्रमण को देखते हुए अदालत फिजिकल और वर्चुअल दोनों ही तरीकों से आयोजित होगी। सुलह समझौता के आधार पर तय होने वाले मामलों का निस्तारण किया जा सकेगा। खुशखबरी। मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों की विभागीय पदोन्नति को लेकर शासनादेश जारी। मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों की विभागीय पदोन्नति के लिए शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को विभिन्न शर्तों के तहत पद स्थापना काउंसलिंग के माध्यम से मिनिस्ट्रियल संवर्ग विभागीय पदोन्नति के निर्देश जारी किए गए हैं। आय से अधिक संपत्ति मामला। हल्द्वानी पहुंची ईडी की टीम, व्यापारी के घर चस्पा किया नोटिस। आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में ईडी की टीम नैनीताल जिले के हल्द्वानी पहुंची। यहां टीम ने व्यापारी पंकज शर्मा के घर पर नोटिस चस्पा किया। एम्स ऋषिकेश के विस्तारीकरण के लिए 200 एकड़ भूमि की मांग, निदेशक ने सीएम से की मुलाकात। एम्स ऋषिकेश के निदेशक प्रोफेसर रवि कांति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्होंने एम्स ऋषिकेश के विस्तारीकरण के लिए 200 एकड़ भूमि की मांग की है। इंस्पेक्टर को महिला की फरियाद नहीं सुनना पड़ा भारी, एसएसपी ने की कार्रवाई। महिला की तहरीर पर सुनवाई न करने वाले इंस्पेक्टर विद्या भूषण का ट्रांसफर एसएसपी कार्यालय में कर दिया गया है। उसकी वजह से अब एसओजी इंचार्ज इंस्पेक्टर ऐश्वर्या पाल को कैंट थाने की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का एक और मौका, प्रवेश की तिथि बढ़ाई। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने प्रवेश लेने से वंचित सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों को प्रवेश का एक और मौका दिया है। ऐसे छात्र 20 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन प्रवेश ले सकते हैं। कांग्रेस नेता के बेटे की जन्मदिन पार्टी में हर्ष फायरिंग, पिता पुत्र पर मुकदमा दर्ज। भगवानपुर में कांग्रेस नेता के बेटे की जन्मदिन पार्टी में जमकर हर्ष फायरिंग हुई। हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुलिस ने कांग्रेस नेता और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 4000 पंचायतों को मिलेंगे 1 लाख रुपए, जल्द पदोन्नति से लेकर रिक्त पदों पर होगी नियुक्ति। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने घोषणा करते हुए कहा कि वन पंचायतों में वनाग्नि को रोकने के लिए राज्य की सक्रिय 4000 वन पंचायतों इको समितियों के खाते में न्यूनतम 1 लाख की धनराशि डाली जाएगी। भू कानून पर फैसला जल्द। भू कानून पर सीएम धामी का बयान, कहा जल्द लेंगे कोई बड़ा फैसला।
उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से भू कानून की मांग की जा रही है। वहीं प्रदेश के युवाओं को नए सीएम पुष्कर सिंह धामी से भू कानून को लेकर काफी उम्मीदें हैं कि वे मामले पर कुछ कर सकते हैं। वहीं सीएम धामी ने भू कानून को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने की बात कही। कस्टम अधिकारी बन लोगों से ठगी, नाइजीरियन पुलिस ने महिला के साथ किया गिरफ्तार। उत्तरकाशी पुलिस ने कस्टम ड्यूटी के नाम पर लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले नाइजीरियन युवक को महिला के साथ दिल्ली से गिरफ्तार किया है। दोनों पर 2.5 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। मोदी कैबिनेट के 90% मंत्री करोड़पति 33 के खिलाफ आपराधिक मामले ADR। बुधवार को 15 नए कैबिनेट मंत्रियों तथा 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली, जिसके बाद मंत्री परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 78 हो गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने चुनावी हलफनामों का हवाला देते हुए कहा कि इन सभी मंत्रियों के किए गए विश्लेषण में 33% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने का उल्लेख किया है। राजेंद्र सिंह बिष्ट ने 37 की उम्र में 83 बार किया रक्तदान, एम्स ने किया सम्मानित। तीर्थ नगरी के युवा राजेंद्र सिंह बिष्ट रक्तदाताओं में शुमार है। फॉरेस्ट गार्ड के 850 पदों पर भर्ती DFO करेंगे। राज्य में फॉरेस्ट गार्ड के 850 पदों पर भर्ती अब वन विभाग करेगा। वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने विभागीय समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी। वन मंत्री ने कहा कि खाली पद जल्द भरने हैं, ऐसे में आयोग के जरिए फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती समय पर करा पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती विभागीय स्तर से होगी, इसके लिए सेवा नियमावली बदली जाएगी और DFO यह भर्ती करेंगे। वन मंत्री ने लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों की चरित्र पंजिका में बेड एंट्री करने के निर्देश PCACF को दिए। नीलकंठ पैदल मार्ग कांवड़ियों से गुलजार, कोरोना का साया भी शिव भक्तों की आस्था को कम नहीं कर पा रहा। कांवड़ यात्रा से पहले ही प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ रही। नीलकंठ पैदल मार्ग भोले के जयकारों से गूंजने लगा है। हालांकि अभी तक सरकार ने कांवड़ यात्रा के चलने का ऐलान नहीं किया है। गढ़वाल के सभी रूटों पर 15 से चलेगी विश्वनाथ बस सेवा। 15 जुलाई से पर्वतीय क्षेत्र के सभी रूटों पर विश्वनाथ सेवाएं शुरू हो जाएगी। बीते 4 माह से सभी रूटों पर सेवाएं बंद होने से लोग परेशान थे। इसे जल्द गंतव्य तक पहुंचने वालों को राहत मिलेगी। कोरोना संक्रमण के चलते सभी रूटों पर सेवाएं शुरू न होने से लोग परेशान थे। 137 साल में पहली बार दौड़ेगी 18 कोच की ट्रेन। काठगोदाम स्टेशन से भी जल्द 18 डिब्बे की ट्रेन दौड़ने लगेगी। इसके लिए जरूरी काम पूरा हो गया है, सब कुछ ठीक रहा तो 137 साल बाद काठगोदाम से 18 डिब्बों की ट्रेन दौड़ेगी। तीसरी लहर सिर पर और ICU अब तक नहीं। जिले के कोविड अस्पताल बेस में ICU स्थापित होने में लगभग 1 माह का समय लगने वाला है। हिंदुस्तान की पड़ताल में यह बात सामने आई है। यहाँ के 20 ICU बेड आ गए हैं, जबकि बच्चों के लिए वही 1000 LPM का ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो रहा है। इसके चालू होने पर ही यहाँ ICU औपचारिक तौर पर शुरू होगा। कैंपटी फॉल में पुलिस ने खाली कराई झील। मसूरी के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कैंपटी फॉल में पर्यटकों की भीड़ पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। DMTD के आदेश पर शुक्रवार दोपहर बाद पुलिस ने झील को खाली करा दिया। हालांकि इससे पहले दोपहर 3 बजे तक यहां पर्यटकों का हुजूम उमड़ा था। मसूरी के प्रमुख स्थलों पर 50% को प्रवेश। वीकेंड पर मसूरी के कंपनी गार्डन, हवा घर, माल रोड प्रमुख स्थलों पर 50% लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। माल रोड पर ठेले लगाने वालों को दूर किया जाएगा ताकि ठेलों पर भीड़ न जुटे। ऑडियो संदेश के माध्यम से भी जागरूक किया जाएगा। होटल एसोसिएशन के साथ बैठक कर उन्हें भी कोरोना नियंत्रण के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। दून में टीकाकरण अभियान 3 दिन ठप रहेगा। दून शहर में 3 दिन तक टीकाकरण अभियान ठप रह सकता है। शहर में केवल MH में एक केंद्र बना है, जिसमें भी केवल 200 वैक्सीन लगेगी। जिला कोविन पोर्टल प्रभारी डॉक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि 45+ की श्रेणी में कोविशील्ड की दूसरी डोज 7 केंद्रों पर, 950 कोवैक्सीन की दूसरी डोज 10 केंद्रों पर 790 लगाई जाएगी। वहीं 18+ में कोविशील्ड की पहली डोज 7 केंद्रों पर 950, कोवैक्सीन की पहली डोज 3 केंद्रों पर 190 डोज लगेगी। इसके अलावा 2 स्पेशल केंद्रों पर 80 डोज लगाई जाएगी। 12 जुलाई को जिले को टीके मिलने की उम्मीद है। उधर टीकाकरण नहीं होने के कारण लोग परेशान हैं, खासकर दूसरी डोज वाले भटक रहे हैं। वीकेंड पर मसूरी जाने के लिए सख्ती। वीकेंड पर मसूरी जाने की अनुमति केवल उन्हें होगी जिसके पास 72 घंटे की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट और होटल या गेस्ट हाउस की बुकिंग होगी। वहीं स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण भी अनिवार्य होगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय में गड़बड़ियों पर CBI ने मारे छापे।
गढ़वाल विश्वविद्यालय में हुई गड़बड़ियों को लेकर सीबीआई ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 14 स्थानों पर छापेमारी की। सीबीआई ने 3 बैंक लॉकर से दस्तावेजों व अन्य चीजें कब्जे में ली हैं। मेडिकल कॉलेजों में खाली पद जल्द भरेंगे धन सिंह। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी दूर करने को सेवा नियमावली में संशोधन किया जाएगा। साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए हर मेडिकल कॉलेजों में 100-100 बेड बच्चों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शुक्रवार को विधानसभा में विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये बात की। बस में युवक को कुचला, लोगों ने जाम लगाया। डाक पत्थर से देहरादून सवारियों को लेकर जा रही निजी बस ने बाइक सवार को कुचल दिया। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। चालक बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। घटना से आक्रोशित भीड़ ने बस में जमकर तोड़फोड़ की और सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत व समझाने बुझाने के बाद जाम खुलवाया। पुलिस के अनुसार शुक्रवार की सायं करीब 5 बजे समद पुत्र सईद निवासी नवाबगढ़ अपने घर से बाइक से डाक पत्थर की ओर जा रहा था। तभी डाक पत्थर की ओर से सवारियों से भरी बस देहरादून की ओर जा रही थी। बाइक सवार समद को तेज गति से आ रही बस ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि चालक बस को नियंत्रित नहीं कर पाया, जिससे समद बाइक से गिरकर बस के टायर के नीचे आ गया। बस से कुचलकर समद की मौत हो गई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।